Okay, so hello everyone. Today we have an important update. Update is regarding the Maharashtra board syllabus, which has been reduced further on. आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि पहले जो तो रिड्यूस किया था तो वो तो हमारे लिए मैथ्स में अच्छा ही था, लेकिन और पूरे के पूरे चैप्टर्स उन्होंने निकाल दिया, राइट? पूरे के पूरे चैप्टर्स उन्होंने निकाल दिया. देखते हैं अपन कौन से हम इंडेक्स पेज पे आ जाते हैं, कौन से कौन चैप्टर उन्होंने निकाले. यू विल बी शॉक टू सी द वे दे हैव रिड्यूस द सिलेबस. मतलब एग्जाम तो उनको लेनी है, सिलेबस को इतना रिड्यूस करने का मतलब ये एग्जाम उनको लेनी है, और जो बाकी के चैप्टर्स उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है. आपको मैं बता देता हूँ कौन से चैप्टर्स ओमिटेड है अब. ओके, तो पहले तो जो थे वो तो ओमिटेड है ही ऑलरेडी, जो पहले था दैट इज ओमिटेड ओनली. लेट अस लुक एट द इंडेक्स पेज बच्चों. सो यू कैन सी दिस लीनियर इक्वेशन जैसा पहला था वैसे का वैसा ही है. क्वाड्रेटिक भी है, एपी भी है. तो आप बोलोगे क्या ओमिटेड है? पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग ओमिट कर दिया उन्होंने. यस, पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग ओमिट कर दिया, फुल चैप्टर ओमिट कर दिया उन्होंने. ओके, प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा है. उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा ओमिट कर दिया उन्होंने, पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स उन्होंने ओमिट कर दिया बच्चों. कैन यू बिलीव दिस? पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स उन्होंने ओमिट कर दिया है. मतलब आपका जो है चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा ओमिट हो चुका है. चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में भी बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने ओमिट किया. आप उसको देखो बहुत सारे टॉपिक्स ओमिट किया. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक में कंप्लीट स्क्वायर मेथड है ही नहीं, वो सम ऑफ रूट्स वगैरह एक ओमिट कर दिया उन्होंने. एरिथमेटिक में कुछ नहीं किया था. लीनियर इक्वेशंस में उन्होंने 1.1 का जो पार्ट थे कुछ सम्स ओमिट किए. 1.2 का था, ग्राफिकल मेथड वाज इंपॉर्टेंट. 1.3 केमिस्ट्री वाज इंपॉर्टेंट. 1.4 पूरा ओमिट कर दिया उन्होंने. बहुत सारी जगह पे बहुत सारे टॉपिक ही ओमिट कर दिया उन्होंने. तो इन एलजेब्रा चैप्टर नंबर 4 एंड 6 आर कंप्लीटली ओमिटेड. बाकी चैप्टर्स में भी बहुत सारी चीजें ओमिटेड है. इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा चीजें अब कम पढ़नी है, टाइम भी बहुत ज्यादा है. तो बस यार लगे रहो. अब ज्योमेट्री में बच्चे लोग, ज्योमेट्री में आप देखोगे तो पहले भी बहुत सारी चीजें उन्होंने ओमिट कर रखी थी, राइट? बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले भी ओमिट कर रखी थी. जैसे आपको पता है सर्कल की चीजें उन्होंने एक्सेस ओमिट कर दी थी. आपको अगर डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए कि कौन सी चीजें ओमिटेड है सम बाय सम, दैट आल्सो वी कैन मेक. आप प्लीज बता देना हमको. सो आप प्लीज बताना आपको कैसा लग रहा है आफ्टर दिस पर्टिकुलर न्यूज. सी ओनली थिंग इज many people cannot have access to online education, so that is the reason main ki things are getting omitted, because bahut interior parts se bhi log exam dete hai, right? So isme se aapko similarity to hai hi, aapka similarity mein aapka angle by center wo sab nikala tha, to aap sabko pata hoga. Isme se omit kya kiya sir, aap wo bataiye. Pura ka pura mensuration omit kar diya hai. Yes bachcho, complete mensuration is omitted. आपका पूरा का पूरा उन्होंने मेंसुरेशन ओमिट कर दिया बच्चों, पूरा का पूरा. अगर जिन बच्चों ने अभी तक कर रखा है तो डोंट वरी, ये तुमको काम ही आएगा आगे. अच्छा, जो बच्चे खुश हो रहे हैं कि ओमिट हो चुका है मजा आएगा बच्चों, वो आगे कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगा. तो उसका बेसिक नॉलेज रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पूरा का पूरा मेंसुरेशन उन्होंने ओमिट कर दिया है. लेट मी टेल यू, इट्स अ बिग डील बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी बिग डील. पूरा का पूरा मेंसुरेशन ओमिट करना मतलब इट्स अ वेरी बिग डील. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 6.2 है उसको उन्होंने ओमिट कर दिया पूरा. वर्ड प्रॉब्लम वाले जो एक्सरसाइज है बेटा वो उन्होंने ओमिट कर दिया पूरी. ओके बेटा, एक्सरसाइज 6.2 ओमिट कर दिया है. बच्चों को प्रॉब्लम होती थी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या है, बट ईजी था, बट ठीक है ओमिट कर दिया. कॉर्डिनेट में यू नो एक्सरसाइज 5.3, सर्कल में जैसे एक्सरसाइज ओमिटेड, पाइथागोरस में एक्सरसाइज 2.2 ओमिटेड. तो बहुत सारी चीजें ओमिटेड है. अब बच्चे हो गए खुश, इतना ओमिटेड है अब तो फुल मार्क्स लेंगे. अब समझना, ओमिट हो गया मतलब हर बच्चा अच्छा पढ़ेगा, मतलब अब आपको और अच्छा पढ़ना है क्योंकि सब लोगों के पास अब चैप्टर्स कम है पढ़ने के लिए, टाइम ज्यादा है, राइट? सो दैट इज व्हाट अ गुड न्यूज इज. तो 10th वाले बच्चे के लिए भी रिड्यूस हुआ है, 9th वाले बच्चों के लिए भी रिड्यूस हुआ है. 9th का अलग से वीडियो बनाएंगे. 10th वाले बच्चे, ये था आपका अपडेट. आपको अगर डिटेल सम बाय सम चाहिए वो भी हम कर सकते हैं, बट नाउ न्यूज ये है बच्चों, आपका मेंसुरेशन ज्योमेट्री में से पूरा निकल चुका है, ट्रिग्नोमेट्री से 6.2 निकल चुका है, एलजेब्रा में से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ऑलरेडी था ही, वो सब तो वो आपको पढ़ना ही है. आपका जो है स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग निकल चुका है, तो यू कैन बी हैप्पी नाउ. दैट डजंट मीन कि आपको पढ़ाई करनी छोड़ देनी, आराम से पढ़ेंगे, इतना कम है, पढ़ाई करते रहो. हर एक चैप्टर के मेरे डिटेल वीडियो बना रखे हैं, यू कैन वॉच दैट. और साथ में आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल
कि जो चैप्टर कर रहे हो उसको अच्छी तरह से करो, उसके हॉट्स क्वेश्चन, उसकी चीजें कर लो, क्योंकि वो उस पर ही अब क्वेश्चन आएंगे, तो 40 मार्क उस पर ही बनने वाला है, राइट। और जो चैप्टर ओमिटेड है और जो बच्चे कर सकते हैं वो लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वो आगे आपको काम आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेंस्ट्रुएशन के इधर काम नहीं आएगा, उसके फॉर्मूलास फिजिक्स में बहुत कम आते हैं, अगर आप साइंस ले रहे हो आगे तो ठीक है, अगर आप मैथ्स भी ले रहे हो, कॉमर्स भी ले रहे हो, आर्ट्स भी ले रहे हो, अगर उसमें मैथ्स तो आता ही है, तो आपको कहीं ना कहीं तो वहाँ पर काम ही आएगा। स्टैटिस्टिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग, शेयर्स, मार्केट वगैरह, ये सब चीज़ें तो बेसिक आजकल मालूम होनी चाहिए। तो आपको खुश इतना नहीं होना है, ऑब्वियसली बोर्ड्स के लिए वो नहीं आएगा, लेकिन आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा बच्चों, तो प्लीज़ उसको आप देख लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी न्यूज़ आपको चाहिए एजुकेशन रिलेटेड, वी आर ऑलवेज देयर।